हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रीम गुरु यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फुटबॉल के बारे में कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिससे आप ये जान सकें कि जो मैच है फुटबॉल का, उसमें जो प्लेइंग 11 है, जो कंफर्म प्लेइंग 11 है, वो कौन सी होगी। क्योंकि अभी तक आपको हमारे चैनल पे क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते थे, तो बट कुछ लोगों के मैसेज आए थे फुटबॉल के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए, तो मैंने उनकी हेल्प के लिए डिसाइड किया है फुटबॉल का ये वीडियो बनाना। तो क्रिकेट में क्या होता है कि हमारे पास काफ़ी सारे सोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे न्यूज़ होती है, तो हमें लगभग कंफर्म प्लेइंग 11 मिल जाती है। बट फुटबॉल में ऐसा नहीं है, फुटबॉल में प्लेयर भी ज़्यादा होते हैं और जो टीम टोटल प्लेयर जो टीम में होते हैं वो स्क्वाड उनका ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पे कंफर्म प्लेइंग 11 चूज़ करना बहुत ही टफ होता है। और इस ट्रिक के थ्रू मैंने एक मेगा लीग जीती, तो मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर कर दूँ और ये आपको भी हेल्प करे अपनी प्लेइंग 11 बनाने में। तो ये जो ट्रिक है कंफर्म प्लेइंग 11 की, वो हर मैच में काम नहीं आती है, बट किसी न किसी मैच में ये 100% काम आती है और आपको 100% जो प्लेइंग 11 टीम है वो आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है वन फुटबॉल, वन फुटबॉल। तो वन फुटबॉल जैसे आप टाइप करेंगे, नीचे एक ग्रीन कलर का आ जाएगा वन फुटबॉल, फुटबॉल स्कोर्स का, तो वो ऐप आपको अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लेनी है। तो वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं आपको शो कर देता हूँ उसमें आपको किस तरह से काम करना है। तो जैसे ये ऐप ओपन होगी, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले नीचे जो बॉटम में चार ऑप्शन होंगे, न्यूज़, मैचेस, फॉलोइंग और सेटिंग का। न्यूज़ में आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है, फुटबॉल से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं, उससे भी आपको हेल्प मिल सकती है अपनी जो प्लेइंग 11 है वो बनाने में। दूसरा जो ऑप्शन होगा मैचेस का, जिसमें आप देख सकते हैं पिछले मैचेस के रिजल्ट क्या रहे हैं और आने वाले मैचेस कौन से हैं। और तीसरा ऑप्शन है फॉलोइंग का, किसी टीम को आप फॉलो करना चाहें तो फॉलो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने इंग्लैंड अंडर 21 को सेलेक्ट किया हुआ है। चौथा ऑप्शन है सेटिंग का, तो जिसमें आप सेटिंग आप कर सकते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पर जो मेन ऑप्शन है आपके लिए, मैचेस में आपको जाना है। तो ये मैच हो चुका है चिली ऑस्ट्रेलिया का, जो 1-1 से ड्रॉ हुआ था, और आने वाला जो मैच है वो है इंग्लैंड अंडर 21 और जर्मनी अंडर 21 का। तो आपको इस पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आ जाएगा, जिसमें चार ऑप्शन होंगे। पहला ओवरव्यू का, ये भी मैच जब स्टार्ट होगा तब आपके पास उसकी डिटेल आ जाएंगी। लाइव ट्रैकर होगा, इसमें मैच की कॉमेंट्री आएगी जब मैच स्टार्ट होगा। सबसे मेन चीज़ है लाइनअप। तो होता क्या है कि जैसे ड्रीम 11 में जो मैच जब स्टार्ट होने वाला होता है, तो 1 घंटा पहले वो लॉक कर देते हैं, उसके बाद आप अपनी जो टीम है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है इस ऐप में कि आपको लाइनअप कभी कभी मैच के 1.5 घंटा पहले या फिर 1 घंटा 15 मिनट पहले लाइनअप आ जाती है, दोनों टीमों की जो कन्फर्म प्लेइंग 11 है वो आ जाती है, जिसमें आप चेक करके देख सकते हैं कौन से प्लेयर आपके खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे हैं, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अभी लाइनअप, तो इसमें आपको करना क्या है कि जो यहाँ पे बेल आइकन आ रहा है, सबसे पहले जो टाइम के नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी उसको ऑन किया हुआ है, जो नोटिफिकेशन है उसका ऑन किया हुआ है, तो आपके पास ऑप्शन आएगा, आप टिक करके उसको ओके कर दीजिए, तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा उस मैच के लिए। नोटिफिकेशन ऑन करने से होगा क्या कि जैसे ही लाइनअप आएगी तो आपके मोबाइल की रिंग बजेगी और आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा, लाइनअप हो चुकी हैं दोनों टीमें, तो उसमें आप देख सकते हैं। चाहे आप कुछ और काम कर रहे हो तो आपके रिंग बजेगी तो आपको पता लग जाएगा। तो वो लाइनअप कैसी शो करेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप पिछले मैच का देख लेते हैं जो हो चुका है, जैसे चिली और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, इसमें जैसे आप लाइनअप में जाएंगे तो दोनों टीमों के लाइनअप आ जाएंगे, कौन कौन से खिलाड़ी जो खेलेंगे, जैसे गोलकीपर कौन रहेगा, मिडफील्डर कौन होगा और डिफेंडर कौन होंगे, और इसके अलावा फॉरवर्ड में कौन खेलेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से प्लेयर खेल रहे हैं, कौन से नहीं खेल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ है सब्स्टिट्यूट, तो कौन से खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट में रहेंगे वो भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। और कौन से खिलाड़ी बेंच में रहेंगे, जो कि ना कि प्लेइंग 11 में होंगे ना ही सब्स्टिट्यूट में आएंगे, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जो अपनी टीम है वो इसमें से प्लेइंग 11 में से या फिर आप सब्स्टिट्यूट में से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई प्लेयर अच्छा प्लेयर है सब्स्टिट्यूट में जो गोल कर सकता है मैच के बीच में आके, तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो इससे इसमें आप देख सकते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं। तो ये जो ट्रिक है हर मैच में काम नहीं आती है, बट किसी किसी मैच में 100% ये काम आती है, क्योंकि मैंने इसके थ्रू ही एक टीम बनाई थी जो मेगा लीग में नंबर 1 पे आई थी,
तो इसीलिए मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। इसके अलावा क्रिकेट से रिलेटेड वीडियोस आपको इसमें मिलते रहेंगे, और भी जो ड्रीम इलेवन की टिप्स ट्रिक्स हैं वो भी आपको मैं वीडियोस बना के दूंगा। और कुछ भी आप क्वेश्चन करना चाहें या कुछ जानना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर फ्रेंड्स।